लंबे समय से लगाए जा रहे कयासों को विराम देते हुए आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने शाजिया के बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शाजिया ने कहा कि वे बदले के लिए नहीं बल्कि बदलाव के मकसद से भाजपा में शामिल हुई हैं। बिना किसी गिला शिकवा के बिल्कुल दिल से पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। शाजिया के भाजपा परिवार में शामिल होने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि नए सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जो भी लोग ये आ रहे हैं ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तमाम तरह के जो अपनी भूमिका है वो समाज में निभाई है। शाजिया इल्मी के भाजपा में शामिल होने पर आप नेता आशुतोष ने उन्हें बधाई दी और कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में भाजपा के पास नेताओं की कमी हो गई है। नहीं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बीजेपी के अंदर नेतृत्व का और नेताओं का इतना जबरदस्त अकाल पड़ गया है कि अब उनको केजरीवाल के साथियों की जरूरत पड़ रही है। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी आज जो है अरविंद केजरीवाल की बी टीम हो गई है। वहीं कांग्रेस ने भी शाजिया इल्मी को शामिल करने के लिए भाजपा पर चुटकी ली। हम तो हमेशा से ये मेंटेन करा है कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। जनरल वीके सिंह हो, शाजिया इल्मी हो, एमएस धीर हो, अश्विनी उपाध्याय हो, बाबा रामदेव जी हो, तो जो भी आप पार्टी के साथ रहता है वो बीजेपी के साथ भी रहता है। अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी किरण बेदी के बाद शाजिया भाजपा से जुड़ने वाले उस आंदोलन की दूसरी महत्वपूर्ण नेता होंगी। शाजिया ने 2013 के विधानसभा चुनाव में आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी गाजियाबाद से उन्हें भाजपा प्रत्याशी वीके सिंह ने शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव के बाद शाजिया और केजरीवाल के रिश्ते में दरार आ गई थी, जिसके बाद शाजिया ने पार्टी से किनारा कर लिया था। पहले किरण बेदी और अब शाजिया इल्मी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी में नए नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। अब सभी की निगाहें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर टिकी रहेंगी, जब ये साफ हो जाएगा कि किरण बेदी हो या शाजिया इल्मी, बीजेपी आखिर उन्हें चुनाव में कौन सी जिम्मेदारी और भूमिका देने वाली है। अपने सहयोगी अनुज यादव और कैमरामैन राजेश डिक्की के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली।